हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी ऑडियंस को। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैं हूँ आपकी प्यारी सी मिलिशा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इरेंगल में जो नया इवेंट आया यूनिक पार्क के नाम से, उसको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि चेयर पार्क में क्या क्या न्यू अपडेट्स आई हैं, और उसके बाद हम क्लासिक की तरफ जाएंगे। क्लासिक के भी 3 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें हमने डिफरेंट सुपर पावर्स को एक्सप्लेन किया है। और मैं यहाँ पर आपको इस इवेंट के बारे में बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, जो आपको आइंदा आइन बहुत फ़ायदा देंगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे मज़े की बात यह है, इस वीडियो को बनाते हुए हमने इतना इंजॉय किया है ना, मतलब हद वाला इंजॉय किया है। हमें खुद भी वीडियो बनाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। एंड डैम, जब मैं एडिटिंग कर रही थी तो फिर तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आएगी। एंड मेक श्योर, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आपको इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इससे ज़्यादा कि मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, तो मैं वीडियो की तरफ चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह हम लोगों ने एंजॉय किया। अच्छा जी, तो मेरी जो वीडियो स्टार्ट होती है वो यहाँ से कि मैं चेयर पार्क में गई थी। अपडेट में सिर्फ एक ब्लॉक आया था जिस पर मैंने क्लिक किया और मुझे रिवॉर्ड मिल गया। और रिवॉर्ड कोई ऐसा नहीं था कि मैं सोचूँ कि मरना होगा, जीना होगा, मुझे रोज़ चेयर पार्क में जाना होगा। तो रिवॉर्ड नॉर्मल सा था। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि रियून पार्टनर को इन्वाइट करें, जो कि इन्होंने रैंडमली खुद ही मुझे दे दिया। और मुझे लगा कि मेरा कोई ख्वाबों का शहजादा आएगा, लेकिन मेरी उम्मीदों पर इस तरह से पानी पड़ा कि जब मैंने उसको रिक्वेस्ट सेंड की, मतलब मुझे नहीं पता वो कौन था, और वो रैंडमली आ भी गया था पार्क के अंदर। और जैसे ही वो आया, मैं उसके पास गई, मतलब मेरी उम्मीदें बहुत हाई लेवल पे थी यार। मतलब कोई पार्टनर आया मेरा, पबजी वाले दे रहे हैं मुझे पार्टनर, और वो ये था। हैं, ये था, मतलब ये पार्टनर दिया मुझे पबजी वालों ने, मतलब ठीक है, ओके फारिक करो। लेकिन मैंने ऑल पे माइक करके इससे बात करने की कोशिश की, इसने कोई रिस्पांस नहीं किया। शायद इसको पता नहीं था कि ऑल पे कोई बोल रहा है। इतना कोई नूबड़ा किस्म का इंसान मेरे पार्टनर में उन्होंने लाके मुझे दे दिया था, तो खैर उसने कोई बात ही नहीं की। तो चेयर पार्क वाली स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हुई। उसके बाद हम आ गए इरेंगल में, जो कि मेरा फेवरेट वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये वाला। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि हम जब इस मोड में एंट्री लेते हैं ना, सबसे पहले वो हमसे यहाँ पे पूछते हैं, ट्रायंगल साइन हमारे पास आता है और हम उसको चूज़ कर सकते हैं। लेकिन पहले तो मैं आपको एंट्री दिखा दूँ उनके ब्लॉक्स की, मतलब इतनी मेहनत से आए, हाय हाय हाय, मुझे ये सीन अच्छा लगा। और जब भी मैच स्टार्ट होता है, मैं इसके पास जाके खड़ी हो जाती थी कि अभी इसने मतलब सीन क्रिएट करना है। तो जी, इन्होंने हमसे पूछे थे 3 ब्लॉक्स में से कुछ एक, तो मैंने जो यहाँ पे चूज़ किया वो ऑइस वॉल किया। मैं सारे आपको सिलेक्ट करके बताऊँगी, और सबके साथ हमने बहुत फन किया है। तो अभी जो हमने जो मेन चीज़ जो मैंने चूज़ की थी ना, वो था आइस वॉल, और आइस वॉल की जो सुपर पावर है उसको चेक करना था। सीन आपको बता दूँ, जब मैं भी इस गेम में, इस मॉड में आई थी, तो मैं बहुत परेशान सी थी कि ये ऑप्शंस तो मुझे समझ ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो अब मेरी स्क्रीन पर 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, जिसमें से जो ऊपर वाला जो ऑप्शन है ना, उस पर क्लिक करके, मतलब कोई भी सुपर पावर आपने सेलेक्ट किया है ना, उसके ऊपर क्लिक करके हम अपनी पावर को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मेरी आइस वॉल है, और देखें कि मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, आइस वॉल मैंने बना ली है, ठीक है। और अगर जो जैसे जैसे बाकी होंगी जो पावर्स होंगी, वो इस पर क्लिक करने होगा। बाकी जो दूसरा वाला ऑप्शन है, वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊँगी। उसकी वजह से आपकी एमओ जो है ना, उसमें इफ़ेक्ट आ जाता है। तो यहाँ पर भाई हमें सीन पता लग गया कि न्यू वॉल्स बनती हैं, तो हमने इसके बहुत मज़े लिए, बहुत मज़ा आया हमें। इतनी ज़्यादा वॉल्स क्रिएट की और मुफ्त में, मतलब थोड़े से ब्लॉक्स कलेक्ट करो और अपने पंगों में शुरू हो जाओ। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ फुल मस्ती मजाक कर सकते हो। मैंने अपने फ्रेंड की जो गाड़ी है वो भी बिल्कुल उल्टी कर दी थी। और उसके अलावा आपको एक मज़े का ट्रिक बताती हूँ, ये कि आप जो है ना, इन ब्लॉक्स के ऊपर भी जा सकते हो। मैंने वैसे कोशिश की थी, लेकिन आप नहीं जा सकते। लेकिन इसका ट्रिक भी मैं अभी आपको बता देती हूँ कि कैसे ऊपर जाया जा सकता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि ये सारे ब्लॉक्स जितने मर्जी आप बना सकते हो, लेकिन एक चीज़ बात याद रखिएगा कि अगर आप ये कोशिश करो कि मैं बीच में खड़ा हो जाऊँ और चारों साइड पे ब्लॉक्स बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। 3 बनेंगे, चौथा जब आप बनाओगे तो तीनों में से कोई एक टूट जाएगा। तो यहाँ पर मैं हूँ ब्लॉक्स के बिल्कुल ऊपर। जी हाँ, तो अभी मैं आपको करके खुद भी बताऊँगी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे ऊपर कर दिया। तो बाकी सीन ये है कि वॉल्स का मैं आपको बता दूँ, ये वॉल्स परमानेंट नहीं है। वॉल्स का एक टाइम है जिसके बाद ये ख़त्म हो जाती हैं। और इनका फ़ायदा ये है कि आप जब ओपन फाइट कर रहे होते हो,
तो इनको क्रिएट कर करके आप जो है इसका कवर लेके एनिमी से बहुत ज़बरदस्त वाली फाइट ले सकते हो। मतलब आप वो वाली टेंशन ही नहीं रही कि हमारे पास कवर नहीं है, अभी हम रश नहीं कर सकते, वो वाला सीन ही एंड हो गया ना यहाँ पर। तो अब ये जो चीज़ है बहुत मजे की है कि ये वॉल आप खुद भी तोड़ सकते हो। लाइक अगर आपका एनिमी बहुत जुनूनी है या उसके पास MP49 है तो, या उसके पास बहुत ज़्यादा एमो है, तो आपकी वॉल्स तोड़ सकता है वो। और उसके अलावा ये कि टाइम के बाद ये खुद भी टूट जाती हैं, और अगर आप खुद भी तोड़ना चाहो तो वैसे भी टूट जाती हैं, मुक्कों से भी टूट जाती हैं यार। और मैंने तो खैर पैन मार के इन्हें तोड़ दिया था, और तरीका मैंने आपको बता दिया। तो हमारी एंट्री हुई है मैग्मा व्हील में, जिसके पास हमारा जो इफेक्ट है वो यूज़ हो रहा है। और अगर हम किसी बॉट को मारेंगे या फिर अपने किसी फ्रेंड को भी हम किल करते हैं तो हमारे जो इफेक्ट निकलता है वो फायर वाला निकलता है। और मेरा ख्याल है बहुत मज़े का, क्योंकि अगर हम आइस वॉल यूज़ करते हैं उसमें जो इफेक्ट ग्लेशियर वाली फीलिंग आती है यार, सच में जिसके पास ग्लेशियर नहीं है ना तो वो ये वाला जो फील है ना वो यहाँ पर पूरा कर सकता है। क्योंकि मैं SMG चला लो, उजी चला लो, कुछ शॉर्ट गन चला लो, कुछ भी चला लो, आपका जो इफेक्ट है ना अब वो स्नो वाला निकलेगा, ग्लेशियर वाला। तो अगर आपके पास M416 नहीं है मेरी तरह तो आप इंजॉय कर सकते हो खूब वाला। और इसमें जो हमारे पास सुपर पावर है वो कंटेनर बनाने के, कंटेनर इस तरह है कि हम इसके पीछे कवर ले सकते हैं और ये कंटेनर मूव किया जा सकता है। हम इसे कंटेनर को मूव कर करके इसका कवर ले सकते हैं। और यहाँ पर दूसरी शरारत जो मेरे दोस्तों ने मेरे साथ की, मुझे कंटेनर्स के बीच में फंसा दिया। यकीन मानो मुझे लग रहा था कि मेरा सांस ही बंद हो रहा है जहाँ पर मैं फंस चुकी हूँ, और मुझे निकलने का भी रास्ता नहीं पता लग रहा था कि एक्चुअली मुझे करना क्या है। और मैं ग्लिच हो गई थी, बिल्कुल ग्लिच, इतना गंदा वाला ग्लिच के मुझे समझ ही नहीं लग रहा था कि मेरे आसपास कोई चीज़ है तो वो क्या है। जैसे कि आपको कंटेनर का वो सर्कल नज़र आ रहा है, वो एक पूरा कंटेनर है, शायद मैं कंटेनर के अंदर हूँ, मुझे नहीं पता। और यहाँ पे मैंने नेड उन पर किया था लेकिन वो मुझ पर गया, क्योंकि मैं कंटेनर्स के अंदर थी तो मुझे इस चीज़ का बाद में पता लगा था। अब यहाँ पे जो है मुझे रिवाइव भी मिल चुका, और ये भी अच्छी बात है कि अगर आप फंस जाओ तो आपका टीममेट आपको रिवाइव कर सकता। मतलब सारे पंगे करके देख लिए हमने आज इस वीडियो में। फिर मुझे दूसरी दफ़ा जो है वो मैं बैंडेजेस कर रही थी, क्योंकि मैं इसके अंदर बैंडेज भी कर सकती हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने क्या किया, मेरी फ्रेंड ने मेरे पे नेट कर दिया बिल्कुल। लेकिन इस दफ़ा जो नेट था वो मुझे बचाने के लिए था, ये बताने के लिए था कि ये जो कंटेनर्स हैं ये नेट मार के टूट सकते हैं। आइस वॉल्स का मैंने आपको बता दिया, वो आप किसी भी चीज़ से तोड़ सकते हो, हैवी फायरिंग करके या पैन मार के कुछ भी। लेकिन ये जो कंटेनर है जिनका सोचा भी नहीं जा सकता, इनको नेट मार के तोड़ दिया गया था, और यहाँ पे मैं बच गई। अब आती है तीसरी बारी, जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा फनी है। अब मेरे सामने सिचुएशन है कि इधर विंड शेल्टर वाला सीन है कि यहाँ पे दो बोट आपस में फ़ाइट कर रहे हैं, ठीक है। मेरे फ्रेंड ने बोला है कि बोट्स को मत मारना, और मैं वेट करने के लिए यहाँ पे रुक गई हूँ कि ठीक है बोट्स को नहीं मारना। अब मैं देख रही हूँ इस बंदे ने मेरे दूसरे बोट को मार दिया, और मैं वेट करती जा रही हूँ यार, मतलब ये मार क्यों रहा है मेरे बोट का। मतलब बिल्कुल ही सीन ही समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या, ये बंदा क्या कर रहा है। बाद में पता लगा कि वो जो बंदा था वो कोई नहायत ही किस्म का नूबरा था, इतना नूबरा। और उसकी फायर देखकर मैं समझ रही हूँ कि वो बॉट है, जबकि वो बॉट नहीं था, वो एक रियल बंदा था, पाकिस्तानी था। और ऑब्वियसली उसके इर्द गिर्द जो शील्ड बनी थी वो उसने खुद बनाई थी, उसको फायरिंग करनी आती नहीं थी लेकिन वो शील्ड बनाकर बैठा हुआ था यार। मेरे माइंड में ही नहीं आया कि वो कर क्या रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फनी सीन हो गया था। नहीं यार मिली, अभी मौसम बहुत अच्छा। ये क्या है यार?